यमुनानगर पहुंची कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश के मौजूदा हालातों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में विधायकों को मिल रही धमकियों को लेकर उन्होंने कहा कि क्राइम इतना बढ़ गया है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक सुरक्षित नहीं है। विदेशों से धमकी भरे कॉल आ रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसमें प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं की गई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर आज हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की है, उन्हें ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने मांग की है कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। राज्यपाल ने उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और इस पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने हरियाणा के DGP ऑफिस में फ़ोन कर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से मिल रही धमकी की NIA कोर्ट में सिटिंग जज से भी इस मामले में जाँच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कॉल आई, व्हाट्सएप कॉल आई और उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज भी आया और वो रिकॉर्ड की बात वो भी इन्होंने दिया। उधर से हमारे सोनीपत से MLA हैं सुरेंद्र पंवार जी, उनको भी इसी प्रकार धमकी आई। BJP के अपने MLA हैं सोहना से संजय सिंह, उनको आई। और सपीदों से हमारे MLA हैं सुभाष गंगोली जी, उन्हें 2 दिन लगातार आई। तो ये सब होता रहा है। ये विदेश से जो हमें मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि शायद एक ही नंबर था, विदेश का नंबर था, किसी और देश से कॉल कहीं और से वो हुई, ट्रेस हुई, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इसमें आगे जो गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आया। हम महामहिम राज्यपाल जी को मिले और उनके साथ ही सारी अपनी चिंता हमने शेयर की और उन्होंने भी इस पर काफ़ी चिंता दिखाई, बल्कि उन्होंने फौरन DGP से बात भी की। हमने मेमोरेंडम भी दिया है, उन्होंने DGP से बात की और उसके बाद शायद इन्हें फ़ोन आया कि एक कांस्टेबल शायद और बढ़ाए हैं इनके लिए। बात सिक्योरिटी केवल हरियाणा में मिल रही विधायकों की धमकी को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर मामूली बात पैसों की होती तो उद्योगपतियों को पैसों के लिए कॉल आती, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल राजनीतिक लोगों को कॉल आ रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बयान पर भी कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले क्या हुआ क्या नहीं, इस समय जो देश के और प्रदेश के हालात हैं सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। ऐसे मामलों में जो सुरक्षा अपने आप मिलनी चाहिए उसके लिए हमें सरकार को अवगत करवाना पड़ रहा है, जबकि इस मामले में सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए था। कांग्रेस विधायकों के साथ BJP विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं। हमारे किसी विधायक की बात नहीं, बात यह है कि जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, विदेश से कॉल आती है। अगर मामूली वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, अगर सिर्फ पैसे की बात होती तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो ज़्यादा पैसा है, उनके पास कॉल आए। ऐसा कुछ अभी तक उजागर हुआ नहीं। पॉलिटिकल लोगों के पास आना, विदेश से आना, तो ये एक बहुत बहुत ही गंभीर मामला है। इसको पूरी सीरियसनेस से सरकार को लेना चाहिए। हमारी ये मांग है कि या तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख में इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इसके बहुत बड़े वो रैमिफिकेशन हैं, तो ऐसे में NIA को भी बीच में आना चाहिए, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, हम तो नॉर्मल साधारण लोग हैं, हमको इन चीज़ों का पता नहीं है कि आगे कहाँ से क्या तार जुड़ते हैं। तो इन चीज़ों को गंभीरता से लें, इंक्वायरी पूरा होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए और हमारे विधायकों के सुरक्षा के लिए भी सरकार को, प्रशासन को पुख्ता कदम उठाने चाहिए। तो इसको उस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, न
ना आम नागरिक सुरक्षित है, ना हमारे विधायकगण सुरक्षित हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की कितनी बदहाली हो चुकी है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।